जय हिंद, मैं हूं नवेद खान, आप देख रहे हैं चैनल खास खबर खास एक्सक्लूसिव जागो मेरठ जागो। दोस्तों, जागो मेरठ जागो में आज हम बात करेंगे पैसे दे दो अवार्ड ले लो। जी हां, रिसेंटली मेरठ के अंदर एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया जिसमें लोगों को सम्मान देने के लिए आयोजक ने मांगे पैसे। मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसी महिला जिनसे आयोजक ने सीधे के सीधे 11,000 रुपये मांग डाले कि 11,000 रुपये दीजिए और मेरे फंक्शन में आके अवार्ड पाइए। चलता हूँ आपको बबीता गुप्ता जी के घर, जिनके पास आयोजक पहुँचे, फिर उसके बाद व्हाट्सएप चैट आपको दिखाऊंगा किस तरह से क्या क्या चैट पर बात हुई, किस तरह का लेटर आयोजक ने दिया। और जिसकी खास बात यह है, इस आयोजन की खास बात यह है कि इसमें शब्द मीडिया को जोड़ के या मीडिया का नाम की आड़ में आयोजन किया गया। इसका सवाल यह है कि क्या मीडिया इतनी सस्ती हो गई कि कोई भी आदमी मीडिया नाम लगाकर लोगों से उगाही करें पैसों की। यही हमारी आज की स्टोरी है, चैनल एन एक्सक्लूसिव जागो मेरठ जागो, पैसे दे दो अवार्ड ले दो। आप देख रहे हैं जागो मेरठ जागो। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे अभी बात की थी कि आजकल एक अभी रिसेंटली एक कार्यक्रम हुआ सम्मान समारोह के नाम पे, जहां जिन लोगों को सम्मानित किया गया उनसे पैसे मांगे गए, और उसकी एक चश्मदीद गवाह मेरे साथ है। बबीता जी, पूरी घटनाक्रम क्या थी मुझे बताइए। मेरे फेसबुक पर अनवर शेख रोमानी जी के नाम से मेरे फ्रेंड ने मुझे वहां से उन्होंने मेरा नंबर लेके मुझे कॉल की कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। पहली कॉल आपके पास कितने दिन पहले आई थी? लगभग 15 दिन पहले आई थी जी। और उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मीडिया से हूँ तो मीडिया के लोग अधिकतर आते रहते हैं। तो मैंने कहा नहीं, उन्होंने खुद को इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं बताऊंगा आपको बहुत सारी बातें, मीडिया से कहा कि मीडिया से रिलेटेड आदमी जी। तो घर पर आए वो, मेरे हस्बैंड से मिले, मुझसे मिले, फिर उन्होंने कहा कि हम लोग एक सम्मान समारोह कर रहे हैं, हर साल करते हैं, और पिछले साल की उन्होंने मुझे कुछ फोटोज कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए और इस साल के भी दिखाए कि इन इन लोगों को करने वाले हैं, ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं, कहाँ हम कर रहे हैं, ये सब कुछ उन्होंने बताया। तो उन्होंने मुझे ये भी कहा कि बायोडाटा आप अपना दे दीजिएगा बना के, आपने क्या क्या काम किया है। वैसे तो मैं तो देखता ही रहता हूँ फेसबुक पे, नहीं वो तो पूरा मेरठ देखता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप, उन्होंने लेटर भी बनाया, एक लेटर उन्होंने मुझे वो लेटर मैं देखना चाहूंगा जरा, वो लेटर क्या है? ये वो लेटर है जो क्या नाम है इनका, रोमानी आर्ट ग्रुप, राग रोमानी आर्ट वेलफेयर सोसाइटी ने ये लेटर दिया जिसमें कि आप देख सकते हैं लिखा है कि 30 अप्रैल को प्रोग्राम था यानी कल था, और इस पर मेरा नाम लिख के अपने साइन करके उन्होंने मुझे ये लेटर दिया था इनविटेशन का। और ये सब कुछ होने के बाद उन्होंने मुझे जगह बताई कि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कोई बैंक्वेट हॉल कर लिया गया, उसका मुझे नाम याद नहीं है, तो आपको पूरी सूचना मिल जाएगी फिर। लेकिन उसके बाद में उन्होंने कहा कि एक छोटा सा काम आपको और करना है। मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा कि 11,000 रुपये आप हमें जो है सहायता दे दीजिएगा, एक तरीके से कंट्रीब्यूशन आपका इस प्रोग्राम में, मतलब कि 11,000 रुपये देंगे तो अवार्ड मिलेगा जी। मैंने भी उनसे यही पूछा कि अगर ये सम्मान खरीद कर लिया जा रहा है तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि आपको 11,000 का ऑफर दिया कि आप मुझे 11,000 रुपये दीजिए, अवार्ड दूंगा। फिर उसके बाद क्या क्या घटना हुई? फिर आप तुम्हारी भाभी जी हो गई तो आपसे 5,100 रुपये ले लूंगा, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि पैसे तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगी, आप अवार्ड दो या ना दो ये आपकी मर्जी है। तो उन्होंने मुझे गिनाया कि इतने का तो शॉल होता है, इतने की ट्रॉफी होती है, बहुत बढ़िया होता है, डिनर होता है। नहीं, अब यहाँ सवाल ये है कि बेशक है शॉल भी आती है, क्या डॉक्टर ने कहा है कि आप अवार्ड नॉट करिए? अगर आप में दम नहीं है पैसा खर्च करने का तो क्या किसी डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया कि आप अवार्ड नॉट फंक्शन कीजिए और वो भी आप उसके पैसे लीजिए? जी नहीं, मैंने उनको ये बोला कि अगर आप अवार्ड फंक्शन करना चाहते हैं और जेन्युइनली जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें आप अवार्ड देना चाहते हैं तो आप उसके लिए स्पॉन्सर ढूंढिए। बहुत सारे मेरठ में बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे बिल्डर्स हैं, बहुत सारे ज्वेलर्स हैं बड़े, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको पैसा दे देंगे प्रोग्राम के लिए, और आप जिन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं उनसे पैसा मत लीजिए, वरना ये तो खरीदा हुआ सम्मान हो गया एक तरीके। फिर उसके बाद क्या रिप्लाई आया उनका? उन्होंने कहा कि नहीं, स्पॉन्सर्स भी हैं, पैसे लेते हैं, लेकिन मैडम बहुत खर्चा होता है, उनकी चैट भी है मेरे पास। चैट मैं देखना चाहूंगा, चैट
पैसे दो अवार्ड लो। रिसेंटली मैंने आपको क्लिपिंग्स दिखाई किस तरह से एक संस्था ने एक अवार्ड सम्मान समारोह का एक आयोजित किया और सम्मान देने के नाम पर किस तरह उनसे पैसे मांगे। साधना जी मेरे साथ हैं, मेरठ का जाना माना फेस, मानसी संस्था। सम्मान पाने के लिए पैसा खर्चना बहुत ज़रूरी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हमें सम्मान पानी है तो हम अपने कामों के बल पे भी सम्मान पा सकते हैं। कोई ये नहीं कि पैसा दें और तभी हम सम्मान खरीदें। अभी हाल फिलहाल में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें मीडिया शब्द को भी इस्तेमाल किया गया, मीडिया अवार्ड करके। उस अवार्ड के अंदर एक महिला है मेरठ की, उनसे आयोजक उनके पास पहुँचे, उनसे बात की कि हम आपको अवार्ड देंगे, सम्मान देंगे, और उनसे 11,000 रुपये की डिमांड कर दी। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, गलत या सही? ये गलत है। मीडिया नाम इसमें अपनी संस्था में इन्होंने जोड़ा, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा गलत है कि मीडिया अगर इस तरह से काम करी तो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी। ये संस्था जो है पहले भी अवार्ड कर चुकी है, हमारे पास भी ऐसे ही कुछ आया था कि पहले हमें कार्ड दिया गया, बाद में हमारी अपनी बातें उन्होंने रखी तो मैंने साफ साफ बोला कि देखिए हम पैसे देंगे। अवार्ड आपसे पैसे की डिमांड की गई थी? किया गया था लेकिन हमने दिया नहीं, क्योंकि हम अपने काम के बल पर सम्मान पाना चाहते हैं, ना कि पैसा देके सम्मान लेना चाहते हैं। नहीं, सवाल ये है कि साधना मैम का कहना है कि आपसे भी पैसे की डिमांड की गई थी। मैम आपसे कितने पैसे मांगे गए थे अवार्ड देने के नाम पे? वो मेरी इच्छा के ऊपर था कि 5-11 कुछ भी वो। और एटलीस्ट मेरे ख्याल से मानसी जैसी पर्सनैलिटी को तो जरूरत है नहीं मेरठ के अंदर सम्मान पाने। तो मैम इस तरह से जो ये आजकल शोषण हो रहा है मीडिया के नाम को लेके, कार्यक्रम का नाम था राग मीडिया अवार्ड, तो मीडिया को नाम को लेकर लोगों को कैश कर रहे हैं, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। आपको बहुत तजर्बा है इन सब चीज़ों का, आप सोशल वर्कर हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी? ये राग मीडिया अवार्ड ये जो नाम है, इस नाम पे क्या टिप्पणी है आपकी? राग मीडिया अवार्ड जैसे अगर इनकी संस्था इस नाम से रजिस्टर्ड है? नहीं, इस नाम से संस्था रजिस्टर्ड नहीं है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तब तो ये बहुत गलत काम कर रहे हैं और मीडिया को बदनाम कर रहे हैं इस तरह से कि मीडिया इस तरह से काम करती है पैसे लेकर अवार्ड देने का। वहीं आज मेरे साथ मेरठ के वरिष्ठ छायाकार ज्ञान दीक्षित जी मेरे साथ हैं। ज्ञान दीक्षित जी एक अरसे से एक मीडिया अवार्ड कार्यक्रम कराते आ रहे हैं, लेकिन वहीं कल दूसरी तरफ एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें कि एक महिला से 11,000 रुपये की राशि मांगी गई। दीक्षित जी क्या कहना चाहेंगे आप? भैया मीडिया तो एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, वो तो सम्मानित व्यक्तियों को छांट छांट कर अपने फील्ड में बिना किसी पैसे के लिए दे ही सम्मान देता है उसको। और सम्मान देने का मतलब ये था कि अगर प्रतिभाशाली कोई व्यक्तित्व है तो उसको हम समाज में आगे लाएं, उसका हौसला बढ़ाएं, उसको सम्मानित करें। वही इस पैसे की वो तो स्पॉन्सरशिप हम लोग ढूंढते हैं जो हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम है हमारी सहायता करते हैं। नहीं सर, आप आज नाम ले अलग हो गए, लेकिन अगर जिसको आप सम्मानित करते हैं क्या उससे भी पैसा मांगा जाता है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं करता। जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है वो सम्मान के, वो तो हमें और उनको दुगना हर तरह से सपोर्ट करनी चाहिए। और जो स्पॉन्सरशिप की पैसे लेके बात है ये बिल्कुल अलग अलग है, अलग कंसेप्ट, बिल्कुल अलग। नहीं, अभी कल एक कार्यक्रम हुआ जिसमें कि मेरे पास जो ये प्रोग्राम चल रहा है इसमें अभी एक महिला है, इनके साथ डायरेक्टली जो आयोजक थे उन्होंने कहा कि 11,000 रुपये दीजिए तो हम आपको सम्मानित करेंगे। ऐसा होना चाहिए अगर है तो मैं इसके लिए। क्या आपको क्या ऐसा होना चाहिए कि सम्मान देने के लिए पैसा खर्चना बहुत ज़रूरी है? मैं तो नहीं। मैं यशोदा यादव एडवोकेट और मानसी संस्था से लीगल एडवाइज़र हूँ, मैडम के साथ हर कार्य में रहती हूँ, जैसा भी मुझे समय मिलता है मैं तुरंत पहुँचती हूँ मैडम के साथ। मैम ये जो आजकल मेरठ प्रचलन चल रहा है पैसे दे दो अवार्ड ले लो, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आप बिकॉज यू आर एन एडवोकेट तो मैं आपकी भाषा में जानना चाहूँगा इसको। पैसे देकर अगर हमने सम्मान पाया तो वो तो गलत है। जब तक हम ज़मीनी लड़ाई लड़ रहे हैं या सामाजिक कार्यों को कर रहे हैं तो लोग हमें पहचान रहे हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं भी हमें पैसे देने की आवश्यकता होगी। और वो सम्मान अगर पैसे दे के पाया तो वो बिल्कुल गलत है। मैं अपने आप में सक्षम हूँ पैसे देने के लिए, और या मैं ये चाहती हूँ कि मुझे सम्मान पैसे से मिलना चाहिए तो ये गलत होगा, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं कार्यों को किया नहीं है, तो मैं चाहूँगी कि मैं हाईलाइट हो जाऊँ। अगर मैंने कार्यों को सच्चाई से किया है, सोशल वर्क किया है, तो मेरा सम्मान अपने आप सरकार मुझे देगी, जनता मुझे सम्मान देगी, मीडिया मुझे सम्मान देगी। वो बिल्कुल गलत है, इलीगल वर्क है। अगर कोई राग मीडिया के नाम से और पैसे लेकर के किसी को सम्मानित कर रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। थैंक यू। जागो मेरठ, जागो में पैसे दे दो अवार्ड ले लो। मैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मेरठ के जाने माने इंटरनेशनल कवि ईश्वरचंद गंभीर जी। गंभीर जी क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय पर? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पैसे जिस सम्मान के लिए दिए जाए
मैं उसको सम्मान ही नहीं मानता। मीडिया के नाम से कार्यक्रम आयोजन हुआ जिसमें कि महिला से पैसे मांगे गए। हाँ तो ये गलत है अगर ऐसा हुआ है। मेरा सवाल यह है कि नहीं आया, लेकिन अगर भविष्य में आपके पास कोई आता है कि आपको सम्मान देंगे, आपको पैसे देने होंगे, 11,000 रुपये दे देंगे, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मेरा रिएक्शन यही होगा कि पहली बार तो मेरे पास कोई आएगा नहीं, क्योंकि मैं जब एक राष्ट्र का कवि हूँ तो कभी से कोई पैसे नहीं लिया करता। केवल वो प्रकाश में जब कभी संकलन छपते हैं तो सहयोग राशि हो सकती है। ये शर्त रख के पैसे देना कि मैं पैसे दे रहा हूँ इसलिए मुझे सम्मान दे दो, जिसको मैं गुस्से से लगाता हूँ। इस तरह का हो रहा तो होना नहीं चाहिए। मेरिट जागो, पैसे दे दो, अवार्ड ले लो। मैं इस वक्त मेरे साथ मैं बात करूँगा हमारे मेरिट के एक और जाने में सुधीर जख्मी जी। जी क्या कहना चाहेंगे आप? जहाँ तक मेरा मानना है कि जो भी समाज सेवी संस्थाएं हैं जो प्रतिभाओं को सम्मान देती हैं, वो सम्मान के बदले में तो पैसा नहीं चाहती ना मांगना चाहती, बल्कि ऐसा तो होता है कि शहर में बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं वो उन संस्थाओं को स्पॉन्सर कर दे देते हैं कि आप देश की शहर की जो प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित करें, और ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। लेकिन जिसे हम सम्मान दे रहे हैं उससे पैसे नहीं लेने चाहिए। नहीं, हमारे मेरी आज की स्टोरी मेरिट जागो मेरिट की यही है, पैसे दे दो वॉल्यूम। अभी रिसेंटली एक कार्यक्रम हुआ जी, जिसमें आयोजक ने एक महिला से 11,000 रुपये की डिमांड करी, और वो सब आप अभी देख रहे हैं चैनल पे चल रहा है जी। 11,000 रुपये की डिमांड की कि 11,000 रुपये की तभी मैं आपको सम्मानित करूँगा। नहीं, वो तो प्रतिभा का अपमान है। पैसे लेके सम्मान करना सम्मान नहीं होता बल्कि अपमान होता है। मेरा मानना यह है कि अगर वाकई किसी में प्रतिभा है और हम कोई भी संस्था उसका सम्मान करना चाहती है तो बदले में उससे पैसे ना ले बल्कि स्पॉन्सर ढूंढे जिससे वो सम्मान उसको दिया जा सके। वेल दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास पेशकश, जागो मेरिट जागो, पैसे दे दो, अवार्ड ले लो। अब मैं नवीद खान आपसे विदा चाहूंगा। कल चैनल N पर फिर आऊंगा एक और एक्सक्लूसिव खबर के साथ। जब तक टेक केयर।